नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360। वर्ल्ड 360 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वेज कैनाल, जिसे स्वेज नहर भी बोलते हैं, उस पर संपूर्ण विश्लेषण। कैसे इस नहर का निर्माण हुआ, किन दो समुद्रों के बीच यह नहर है, कैसे यह नहर आज के समय में विश्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक बन चुकी है, और आपको बताएंगे उस जहाज के भी बारे में जिसके इस नहर में फंसने के बाद इस नहर को लेकर सुर्खियां पूरे विश्व में बनी हुई नजर आई थी। तो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे जो आपके लिए स्वेज नहर को जानने और समझने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आइए बिना देर किए हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर यह नहर बनी कैसे, क्या है स्वेज नहर का इतिहास और किस तरीके से एक कृत्रिम नहर का निर्माण किया गया विश्व में, और किस तरीके से इसके इतिहास की पृष्ठभूमि पर अगर हम नजर डालें तो हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ये तमाम चीजें, स्वेज नहर के इतिहास का जिक्र अगर हम करें तो स्वेज नहर की उत्पत्ति का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। मिस्र के राजा सेन्यूसेट तृतीय, यानी फिरौन, जिन्हें फिरौन भी कहा जाता था, फिरौन के शासनकाल में 1874 ईसा पूर्व के दौरान पहली बार जल मार्ग की खुदाई की गई थी। हालांकि इस अल्प विकसित नहर को सिल्टिंग, यानी जिस पूरे नहर में गाद जमा हो जाने के कारण छोड़ दिया गया था, और बीच में कई शताब्दियों के दौरान कई बार इसे खोला भी गया था, लेकिन बार बार इसे खोलने के प्रयास में नाकाम नजर आए थे उस वक्त के शासक। और उसके बाद फिर 19वीं शताब्दी में फ्रांसिसों के प्रयास के द्वारा, फ्रांसिस जो नागरिक थे, फ्रांस के जो तमाम वैज्ञानिक थे, फ्रांस के जो तमाम इंजीनियर्स थे, उनकी मदद से 19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक स्वेज नहर का निर्माण किया गया, और 17 नवंबर 1859 को इसे नेविगेशन के लिए खोला गया। तो किस तरीके से इसे नेविगेशन के लिए खोला गया, इसका हमने संपूर्ण इतिहास जो है उस को हमने आपको बताया कि किस तरीके से पहले उस समय के मिस्र के जो शासक थे उन्होंने इस नहर की खुदाई कराई, लेकिन उस समय तकनीक इतनी विकसित ना होने के कारण बार बार इस नहर में गाद जो है वो जम जाती थी। इसके बाद 19वीं शताब्दी में फ्रांसिसियों ने 17 नवंबर 1859 को पुनः इसके निर्माण के कार्य में हाथ लगाया, और फिर 17 नवंबर को जो है 1859 में इसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया गया। फ्रांसिसों द्वारा नहर को एक बार फिर से खोलने के बाद यह नहर लगातार विकसित होता गया। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इस नहर का सही मायने में आज की मौजूदा स्थिति में जो इस्तेमाल हो रहा है वो फ्रांसिसियों द्वारा ही किया गया। क्या है आधुनिक नहर के इतिहास की कहानी, कैसे इस आधुनिक नहर का निर्माण हुआ जिसमें आज विश्व की कुल समुद्री व्यापार की 12% से आसपास का जो हिस्सा है वो इस मार्ग के जरिए होता है, उसकी हम कहानी अब आपको जरा बताते हैं। आधुनिक नहर की नींव कैसे पड़ी, दरअसल वर्ष 1800 के तकरीबन में यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल कंपनी को 99 वर्षों के लिए नहर के निर्माण और संचालन का काम जो है वो सौंपा गया था। 1858 में यूनिवर्सल स्वेज शिप जो कंपनी है उसे 99 वर्षों के लिए नहर के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया, और उसके बाद मिस्र की सरकार को इस पूरे नहर का अधिकार जो है उसे सौंपे जाने को लेकर समझौता हुआ था। आइए अब आपको जरा समझाते हैं कि इस नहर की रणनीतिक महत्ता क्या है, कैसे ये नहर आज पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन गया है, कैसे इस नहर के जरिए आज विश्व के कई देश जो हैं वो व्यापार पर निर्भर हैं। मिस्र स्थित इस कृत्रिम समुद्री जलमार्ग का निर्माण भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए वर्ष 1859 के बीच किया गया। स्वेज नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमध्य सागर और लाल सागर के लिए जोड़ने का तो काम करती ही है, लेकिन उससे भी अगर महत्वपूर्ण काम जो ये करती है वो ये है कि ये यूरोप और एशिया, दो अलग अलग महाद्वीपों को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप से होकर नेविगेट करने की आवश्यकता को भी ये नहर समाप्त करती है। यानी अगर आपको एशिया से इस नहर की अनुपस्थिति में
यूरोप या उसके आगे का रास्ता तय करना है तो आपको, अगर आप विश्व के नक्शे को देखें तो आपको नीचे से होकर जाना पड़ेगा। इस नहर की मौजूदगी से एक छोटा सा रास्ता जो है वो सीधा तकरीबन 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो ये नहर कम करने का काम करता है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये नहर। स्वेज नहर के कारण ही एशिया और यूरोप के बीच मिस्र की स्थिति एक रणनीतिक जंक्शन के रूप में भी उभर कर सामने आई है। उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों द्वारा जोर दिए जाने के बाद जमाल अब्दुल नासिर ने वर्ष 1956 में इस नहर के राष्ट्रीयकरण का काम किया। राष्ट्रीयकरण की भी एक अलग कहानी है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर स्वेज नहर का महत्व क्या है, कैसे आज इस नहर पर दुनिया भर का व्यापार जो है वो टिका हुआ नजर आता है। दुनिया भर के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस नहर से आने जाने, इस नहर के यातायात पर पूरी तरीके से निर्भर है। आइए आपको स्वेज नहर की महत्ता बताते हैं। सबसे पहले उपनिवेशीकरण को सक्षम बनाने में स्वेज नहर महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर का निर्माण वैश्विक समुद्री कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विकास था। इसने औपनिवेशिक इतिहास को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया। दूसरी अगर बात की जाए वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा, यह नहर पश्चिम और पूर्व के बीच सभी प्रकार के व्यापार हेतु एक जीवन रेखा के रूप में काम करती है, क्योंकि प्रतिवर्ष लगभग 10% वैश्विक व्यापार जो है इस मार्ग से ही होता है। नहर के माध्यम से प्रतिदिन भेजे जाने वाले माल की कीमत $9.5 बिलियन है और यह नहर मिस्र सरकार के लिए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही साथ ग्लोबल चेक पॉइंट्स जो विश्व के हैं उनमें से ये नहर एक है, और तमाम जो पनामा के अलावा प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है वैश्विक समुद्री क्षेत्र की ये दो महत्वपूर्ण नहरें हैं, एक पनामा और दूसरा ये स्विज नहर जो है। तो साफ तौर पर इसके अलावा हमने आपको जिस तरीके से पहले भी बताया कि एशिया को अफ्रीका से ये नहर अलग करने का काम करती है, एशिया को यूरोप से ये नहर जोड़ती है, विश्व के कुल बाजार का जो है 12% हिस्सा जो है वो इस पूरे नहर पर निर्भर है। यह विश्व के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शिपिंग लेन में से एक है, जिसमें विश्व के कुल बाजार व्यापार का 12% से अधिक का व्यापार होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले तेल, प्राकृतिक गैस और महत्वपूर्ण चीजों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में लगभग 19,000 जहाज और प्रतिदिन औसत 51 जहाजों पर लगभग 1.17 बिलियन टन माल इस नहर के माध्यम से लाया जाता है। यह नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक प्रमुख आय का स्रोत है। इस अफ्रीकी देश ने पिछले साल इस नहर से $5.61 बिलियन का राजस्व प्राप्त किया। स्वेज नहर का आप आइए बात करते हैं। जब जब जिक्र किया जाता है तब तब स्वेज संकट की भी बात जो है वो जरूर की जाती है। क्या था ये स्वेज संकट जिसके कारण पूरी दुनिया पर युद्ध का खतरा तक मंडराने लगा था? किस तरीके से स्वेज संकट जो है उसको लेकर जो तमाम विश्व के वो बड़े देश हैं वो इस पूरे नहर पर आग गड़ाए हुए बैठे थे, आइए जरा अब आपको हम समझाते हैं। दरअसल 1951 के बाद कर्नल नासिर ने मिस्र के आर्थिक व सामरिक विकास के लिए विभिन्न प्रयास शुरू किए, किंतु ये तभी सफल हो सकते थे जब स्वेज नहर पर मित्र राष्ट्रों के अतिक्रमण को हटाया जाए, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की बढ़ती गतिविधियों के कारण मिस्र की संप्रभुता और अखंडता पर संकट उत्पन्न होने लगा था। इन क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों के अपने हित थे, क्योंकि अब प्रत्यक्ष साम्राज्य के स्थान पर नव साम्राज्यवाद की संकल्पना का प्रसार हो रहा था। मिस्र में मित्र राष्ट्रों के साथ साथ रूस तथा अमेरिका के हित भी शामिल थे। अमेरिका का उद्देश्य जहां एशिया क्षेत्र में संतुलन बनाना था, वहीं रूस इस क्षेत्र में अपनी नैसर्गिक उपस्थिति मानता था, और यही कारण था कि दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था। इस संकट से उबरने के लिए स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र उपाय नजर आ रहा था, क्योंकि इस तरीके से अतिक्रमण मिस्र की संप्रभुता पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों द्वारा विरोध किया गया तथा उस क्षेत्र में सेना की तैनाती कर दी गई। मिस्र को रूस का मौन समर्थन प्राप्त था, मिस्र संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य था और रूस द्वारा इस मुद्दे पर उसको समर्थन किया गया, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन एवं फ्रांस की कार्रवाई को अनुचित मानकर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रति स्वीकृति प्रदान की गई। इस राष्ट्रीयकरण से एशिया तथा यूरोप को जोड़ने वाले अति महत्वपूर्ण जलमार्ग पर मिस्र का अधिकार होने के साथ ही
इसे अतिरिक्त वाणिज्यिक लाभ भी प्राप्त हुआ। मिस्र में यूरोपीय गतिविधियों का भी विस्तार हुआ, किंतु इन्हें इस शर्त पर स्वीकार किया गया जिससे मिस्र का आर्थिक लाभ जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो ये पूरी वो कहानी है स्विस संकट की, जिसमें साफ तौर पर विश्व की बड़ी जो महाशक्तियां थी वो इस नहर पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन चूंकि ये नहर मिस्र के आसपास था इसलिए मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया और उसके बाद इससे मिस्र को लाभ हुआ। आइए जरा अब आपको बताते हैं कि स्विस कनाल अगर रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया को क्या नुकसान उठाना पड़ता है, कैसे इस नहर में किसी भी तरीके से जाम की स्थिति से पूरी दुनिया पर संकट के बादल छा जाते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही एवरग्रीन जहाज के फंसने से हुआ था। जरा आपको बताते हैं कि अगर स्वेज नहर में किसी तरीके की अवरुद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या कुछ जो है वो नुकसान जो है साफ तौर पर उठाना पड़ता है। सीधे तौर पर जो प्राकृतिक और तेल है या फिर गैस है, इन सब की मांग में एक तरीके से इजाफा होता है। तमाम जो ट्रैफिक रूट हैं समुद्र के वो बढ़ते हुए और व्यस्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूरी है महाद्वीपों के बीच, उस दूरी को भी लंबी यात्रा से तय करना पड़ता है। साथ ही साथ तेल प्राकृतिक गैसों पर जो एशिया प्रांत की निर्भरता है उसमें भी कमी आती है। ये तमाम चीजें जो है वो साफ तौर पर उत्पन्न होती है जब स्वेज नहर में किसी भी तरीके का अवरोध उत्पन्न होता है। अब आइए जरा आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम उस स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं जो स्विस नहर में अब से कुछ महीने पहले एवरग्रीन नाम के एक जहाज के फंसने के कारण पैदा हुई थी। कैसे इस जहाज के फंसने के बाद से अब जाकर इस जहाज को जो है आजाद करने की अनुमति मिली है, जरा देखिए। इस साल मार्च के महीने में स्वेज नहर में एक विशाल मालवाहक जहाज फंस गया था, जिसके कारण दुनिया भर का व्यापार संकट में आ गया, जिसके बाद से जहाज अब तक आजाद नहीं हुआ था, लेकिन अब ये 7 जुलाई से आने जाने के लिए मुक्त हो जाएगा। एवरग्रीन जहाज के मालिकों और बीमाकर्ताओं ने इसे लेकर एक समझौता किया है। उनका कहना है कि मुआवजे के विवाद में औपचारिक समझौता हो गया है, जिसके बाद नहर प्राधिकरण 7 जुलाई को इस जहाज को आजाद कर देगा। जहाज के मालिक शोई किशोन और उसके बीमाकर्ता की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है जहाज को रिहा कराने के लिए तैयारी की जाएगी और समझौते के लिए इस्माइलसिया में प्राधिकरण के मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा। स्वेज नहर प्राधिकरण का कहना है कि 7 जुलाई को एक समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। प्राधिकरण के अध्यक्ष ओसामा अराबी ने बताया कि समझौते के हिस्से के रूप में नहर को करीब 75 टन की खींचने की क्षमता वाली एक टग बोट मिलेगी। दरअसल SCA ने मुआवजे के चलते जहाज को नहर से निकाले जाने के बावजूद रिहा नहीं किया था, साथ ही उसके जापानी मालिक से मुआवजे के तौर पर $916.5 मिलियन मांगे थे, जिसके बाद से पूरा विवाद लगातार उलझता चला गया और अब जाकर सुलझ पाया है। एवर गिवन जहाज 23 मार्च को स्वेज नहर में फंस गया था, जिसके कारण लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच जहाजों की आवाजाही थम गई थी। जहाज को निकालने के लिए 6 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद इसे बाहर निकाला जा सका। जहाज का वजन 2,00,000 मीट्रिक टन है। यह 400 मीटर लंबा और 49 मीटर चौड़ा है। मिस्र के स्वेज नहर की बात करें तो दुनिया में होने वाले व्यापार का बड़ा हिस्सा यहीं से संचालित होता है। यहां से रोजाना औसतन 50 जहाज गुजरते हैं। मुख्य तौर पर इस रास्ते का इस्तेमाल मध्य पूर्व से यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक कच्चा तेल ले जाने के लिए होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो आपने देखा आखिरकार अब जाकर एवर गिवन जहाज को अनुमति मिली है कि वो इस नहर से निकल सके। हालांकि फंसे हुए इस जहाज को निकाल जरूर दिया गया था, लेकिन जो स्विस नहर प्राधिकरण है उसने इस जहाज के मालिकों और जहाज कंपनी पर एक जुर्माना के तौर पर राशि की मांग की थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ था। मेरे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, किस तरीके से स्वेज नहर, स्वेज कैनाल भी जिसे हम कहते हैं, वो स्वेज संकट से लेकर अब तक की स्थिति पर अगर हम इसे देखें
समय के साथ ही पूरी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सी मार्गों में से एक बनकर उभरा है। जी, जैसा कि चंदन जी आपने कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी रूट है, और ये जो स्विच कैनाल है इसे 1869 में ये आरंभ हुई थी। 1859 में इसका बनना शुरू हुआ था, 10 वर्ष लगे थे और 151 वर्ष का इतिहास है। और जैसा कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया भी कि स्वेज संकट के समय इस पूरे कैनाल पे बहुत ही बड़ा जो है विवाद खड़ा हो गया था, जब इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने इजिप्ट पर हमला कर दिया था और ये स्वेज कैनाल का संचालन रुक गया था। ये लगभग एक वर्ष तक रुका रहा। उसके बाद जो 1967 में जो सिक्स डे वॉर हुआ उस समय भी स्वेज कैनाल का संचालन रुक गया और ये 1975 तक रुका रहा, लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हुआ। और अभी हाल के वर्षों में इजिप्ट ने इसको रिनोवेट किया है और इसकी जो क्षमता है इसको और बढ़ाया है। अब ये 193 किलोमीटर तक की इसकी दूरी हो गई है और इसके कई और उसमें ब्लॉक बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जो स्विच कैनाल का जो महत्व है वो एशिया को यूरोप से ये जोड़ती है, और ये जो एशिया और अफ्रीका के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है। और जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में बताया भी कि जो तेल, कच्चे तेल का जो निर्यात होता है जो मिडिल ईस्ट रीजन से, उसका ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक जाने में इस स्वेज कैनाल का बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और इससे ये दूरी जो होती है एशिया से यूरोप की वो बहुत कम हो जाती है। नहीं तो अगर स्वेज कैनाल ना होती तो जाहिर है कि बहुत ही लंबा रूट लेना पड़ता जहाजों को, और उससे बहुत सारा पैसा भी खर्च होता, समय की बर्बादी भी होती। तो स्वेज कैनाल का बहुत ही बड़ा व्यापारिक महत्व भी है, स्ट्रेटजिक महत्व भी है। और ये जो स्वेज कैनाल है जब कभी भी इसमें ब्लॉकेट आ जाता है, जैसा कि आपने बताया कि एवर गिवन जो शिप थी उसकी वजह से 23 मार्च से 29 मार्च तक 6 दिनों का ब्लॉकेट हो गया था, उसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान पूरी स्वेज कैनाल अथॉरिटी को भी उठाना पड़ा था, और पूरे विश्व के जो शिपिंग जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी ब्लॉक हो गई थी। तो इससे पता चलता है चंदन जी जी कि स्वेज कैनाल कितनी महत्वपूर्ण है, और जब कभी यहाँ कोई अवरोध पैदा होता है तो उससे कितनी बड़ी समस्या और संकट पैदा हो जाता है। ठीक है, इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज उसी स्वेज संकट से ये सवाल आता है कि उस समय भी मिस्र की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो ये थी कि अपने क्षेत्र की अखंडता को वो कैसे अपने मित्र देशों, क्योंकि वो तमाम देश जिनके आसपास से कैनाल है उनसे भी मिस्र के एक संबंध ठीक ठाक है, अच्छे माने जाते हैं। ऐसे में धीरे धीरे समय के साथ जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद से लेकर अब तक की स्थिति में कितनी बार प्रयास हो चुके हैं कि इस नहर को फिर से एक तरीके से डिरेल किया जाए, इसको लेकर फिर से किसी भी तरीके का अवरोध पैदा किया जाए? जी देखिए चंदन जी, इसके इसका चूंकि स्ट्रेटजिक महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजिक महत्व है, और इजिप्ट इसको अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन जैसा कि अपनी रिपोर्ट में हमने बताया भी कि जो फ्रांस और ब्रिटेन का इसमें बहुत बड़ा स्टेक रहा है, और ये जो पूरी नहर रही है ये अंतर्राष्ट्रीय नहर रही है, लेकिन जब इसको इजिप्ट ने इसका नेशनलाइजेशन कर दिया और अपने हित में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और इसराइल के लिए भी इस नहर का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, और इसराइल ये चाहता है कि इसका जो पूरा एक संचालन हो वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार हो और एक इंटरनेशनल रूट के रूप में इसको देखा जाए। तो इसी वजह से विश्व की शक्तियां लगातार इस नहर के संचालन को लेकर के सतर्क रहती हैं, लेकिन इजिप्ट की मंशा जरूर ये रहती है कि इससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए, अधिक से जी। अधिक लाभ उठाया जाए, और इसका दो इस्तेमाल ऐसे अपने दो कनाल्स स्ट्रेटजिक ऐसे दो कनाल से संजीव श्रीवास्तव जी, एक पनामा और एक स्वेज कनाल, ये दोनों कनाल पूरी दुनिया के ट्रेडिंग रूट के लिए, खास तौर पर शिप ट्रेडिंग रूट के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिन देशों के आसपास से कनाल आते हैं उनकी ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बढ़ जाती है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी ताकत इस पर, कोई भी इस प्रकार का हमला ना कर सके जिससे पूरी दुनिया के ट्रेड पर इसका असर हो सके। जी, बिल्कुल आपने सही कहा चंदन जी कि स्वेज पनामा कैनाल है, और मैं यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का का भी जिक्र करना चाहूंगा जी कि जी बिल्कुल जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो साउथ चाइना सी में है उस पे चाइना एकाधिकार
करने की कोशिश करता है, उसमें वो चाहता है कि वो पूरे इलाके उसका साउथ चाइना सी पे अधिकार हो जाए। तो जाहिर है कि ये जो जो कैनाल्स होती हैं, ये जो स्ट्रेट्स होते हैं, ये इंटरनेशनल वाटर रूट्स हैं, ये इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का है। और इसमें यदि कोई एक देश अधिकार करने की कोशिश करेगा, जैसे कि इजिप्ट ने स्वेज कैनाल पे करने की कोशिश की और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे चाइना क्लेम करता है, तो जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही अधिक चिंता पैदा करता है और इंटरनेशनल शिपिंग रूट जो है वो बाधित होती है। और चाहे वो साउथ चाइना सी में जो शिपिंग रूट है, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में जो स्वेज कैनाल है उसका शिपिंग रूट है, या जो पनामा का जो कैनाल है उसके जो शिपिंग रूट है, सभी बाधित हो सकते हैं यदि एक देश अपनी कोई महत्वाकांक्षा थोपने की कोशिश। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि आप फॉरेन एक्सपर्ट्स की चीजों पर बारीकी से नजर रखते हैं, पढ़ते सुनते हैं, क्या ऐसे ये तमाम जो सी रूट्स है, चाहे स्विस हो, पनामा हो या स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिसका आपने जिक्र किया, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों से गवर्न होने चाहिए या फिर जिन देश के आसपास हैं, जैसे इजिप्ट के पास स्विस है तो उसने उस पर अपना राष्ट्रीयकरण किया, आप इस पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए क्या बेहतर मानते हैं? देखिए चंदन जी, निश्चित रूप से इसका जो संचालन वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। ये जो जब हम बात करते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने की, तो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो सी लेंस, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अंतर्गत जो फ्रीडम जो ऑफ नेविगेशन है उसको सुनिश्चित होना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशंस जो लॉज हैं, सी कन्वेंशन हैं, उसके अनुसार ये निर्धारित होना चाहिए। तो जो अनक्लॉज का जो यूनाइटेड नेशंस का जो लॉ है जो नेविगेशन को लेकर के, उसके आधार पर संचालित होना चाहिए। और यही कारण है कि वर्तमान समय में चंदन जी आप देखिए, तो चाहे वो विश्व की जो महाशक्तियां हो, भारत हो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में और अन्य जगहों पर भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसको कोई अगर बाधा पहुंचाएगा तो जाहिर है कि उसको जवाब दिया जाएगा। चाइना जैसे कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहता है, इजिप्ट ने एक समय में स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण करके इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की थी और इजिप्ट को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा था और एक क्राइसिस पैदा हो गई थी। तो जाहिर है कि ये जो वाटर रूट्स हैं, ये जो ट्रेडिंग रूट्स हैं, ये इंटरनेशनल रूट्स हैं और इसको अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही संचालित होना चाहिए। कोई एक देश इसके ऊपर एकाधिकार करने की कोशिश करेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको स्वीकार नहीं करेगा और जाहिर है कि ये तनाव की स्थितियां पैदा होंगी। इससे युद्ध भी हुए हैं और आगे भी अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो ये युद्ध की स्थिति ही क्रिएट होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी आपका हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर आज का विश्लेषण स्विस कैनाल पर था और हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि आखिर क्यों ये कैनाल जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, और संजीव श्रीवास्तव ने भी उन्हीं बातों का समर्थन करते हुए कहा कि ये तमाम जो कैनाल्स हैं, तमाम जो इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों से गवर्न होने चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।